अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश चौसेरियंस की बात करेंगे। इंग्लिश चौसेरियन कौन थे और स्कॉटिश चौसेरियंस का भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन स्कॉटिश चौसेरियंस के लिए हम एक अलग वीडियो रेडी करेंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट हम इंग्लिश चौसेरियंस को ही कवर करेंगे। इंग्लिश चौसेरियंस, जैसे कि हमें पता है इनका नाम चौसेरियंस क्यों है, दैट मीन्स दे फॉलोड चौसर, जियोफ्री चौसर, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब हम इन्हें चौसेरियंस क्यों कह रहे हैं? चौसेरियंस इन अ सेंस कि ये चौसर को फॉलो करते थे, और ये इंग्लिश चौसेरियंस हैं किस एज में? 15th सेंचुरी भी, पर्टिकुलरली पोइट्री में। ठीक है, आपको पता है कि 15th सेंचुरी को हम बैरन पीरियड भी कहते हैं। बैरन पीरियड इसलिए इनको कहा जाता है कि कोई भी प्रोमिनेंट राइटर इस एज में नहीं था। इस एज में जितने भी थे वो इमिटेटर थे, जैसे आगे हमारे पास लिटरेचर में कहे जाएगी न्यू क्लासिकल एज, जिसमें क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया गया है। तो इसको हम, ये जो एज है 15th सेंचुरी, इनको इसको हम इंग्लिश चौसेरियंस, इनमें ग्रुप था चौसेरियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चौसर को इमिटेट करते थे। इनमें से सबसे पहला नाम इंग्लिश चौसेरियंस में है थॉमस ओकले, इसे थॉमस ओकले भी कहा जाता है। 1370 में पैदा हुआ था एंड 1450 में इसकी डेथ हुई थी। इसने खुद को कहा था द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर, एक एक्सीलेंट मास्टर का एक स्टूपिड सा स्कॉलर, और वो एक्सीलेंट मास्टर कौन था? चौसर, जियोफ्री चौसर, इसलिए तो ये चौसेरियन है। ओकले ने खुद को एक सेटरिस्ट और एक मोरलिस्ट के तौर पर पेश किया था, लेकिन इसका जो इंग्लिश पोएट्री में एडिशन था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो था ऑटोबायोग्राफिकल टच। और इसी वजह से, इस ऑटोबायोग्राफिकल टच की वजह से एक क्रिटिक है एसी वार्ड, उस एसी वार्ड ने थॉमस ओकले को कहा गया है वन ऑफ इंग्लैंड्स अर्लीस्ट बायोग्राफर्स। ये किसको, किसके लिए ये कहा है? थॉमस ओकले के लिए। क्यों? क्योंकि इसने अपने वर्क्स में ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया था। इसका जो मेन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था वो था ला मेल रेगल डी थॉमस ओकले, ये इस वर्क का पूरा नाम है। और इसके जो दूसरे चीफ वर्क एज अ पोइट थे वो इसकी वर्स ट्रांसलेशंस थी, और इसने जो ट्रांसलेशन की थी वो चौसर के राइम रॉयल स्टेंजा में की थी। राइम रॉयल स्टेंजा का भी हम आपको इंट्रोडक्शन एक वीडियो में देंगे कि इसे राइम रॉयल स्टेंजा क्यों कहा जाता है, लेकिन चौसर इस स्टेंजा को चौसेरियन स्टेंजा भी कहा जाता है। 7 लाइन स्टेंजा होता है क्योंकि ये सारे चौसेरियन थे, तो इन्होंने फिर चौसर की ही राइटिंग स्टाइल को फॉलो किया। इसका जो वर्स ट्रांसलेशन का जो वर्क था वो इसने, एक पोइट था एजीडियस, उसका वर्क था द रिगमे प्रिंसिपम। इंग्लिश में इसने उसको ट्रांसलेट किया और उसका नाम इंग्लिश में इसने रखा रिगिम ऑफ प्रिंस। ये वर्क इसने ट्रांसलेट क्यों किया था? फॉर द गाइडेंस ऑफ प्रिंस हेनरी। जब थॉमस ओकले की राइटिंग का टाइम था तब हेनरी प्रिंस था, लेकिन बाद में वो हेनरी क्या बना? वो किंग हेनरी फाइव बन गया था। तो इस वर्क में अर्नेस्ट की हम जो, थॉमस ओकले की जो हम टोन देख सकते हैं वो एक अर्नेस्ट डिडैक्टिसिज्म था, और डिडैक्टिसिज्म किसने किया था? मोरल गोवर, ठीक है, जिसको चौसर ने मोरल गोवर कहा। तो अपने डायडेक्टिसिज्म में ये गोवर के ज़्यादा नज़दीक एज कम्पेयर टू हिज मास्टर चौसर। तो ये हमारे पास पहला इंग्लिश चौसेरियन था जिसका नाम है थॉमस ओकले। अभी हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है जॉन लिडगेट। अब हम जॉन लिडगेट की बात कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 1370 से 1449 तक का था। इसको सबसे डलेस्ट कहा गया है, जो पांच चौसेरियंस थे उनमें सबसे डल यही था। इसने मोस्टली जो ट्रेडिशन इसने फॉलो की थी वो थी एलिगोरिकल और ड्रीम पोइट्री, ये इन दो ट्रेडिशंस पे ये लिखता था। और इसकी जो पोइटिक वर्क्स थे वो 30,000 लाइन्स तक चले जाते थे, ये इतना ज़्यादा लिख। लेकिन फिर भी एक क्रिटिक कह रहा है कि मुझे हैरानगी है, आई वंडर वाई ही वॉज नॉट इंक्लूडेड बाई पोप अमंग हिज डलर्ड इन द डंशिया। जो अलेक्जेंडर पोप है न्यू क्लासिकल एज का, उसका एक वर्क है द डंशियाड, उसमें एक ग्रुप उसने बनाया है पोप ने डलर्ड्स का, जो डल पोइट थे उनको वो उसमें ऐड करता है। लेकिन ये क्रिटिक कहता है कि मुझे हैरान किया कि ये जॉन लिडगेट को पोप ने उस ग्रुप में ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी तो एक डल है ना, इसे भी उस ग्रुप में होना चाहिए था। चले आगे हम इसके कुछ वर्क्स की बात करते हैं। इसका एक वर्क है द ट्रॉय बुक, दूसरा इसने वर्क लिखा था द स्टोरी ऑफ थेब्स, तीसरा वर्क द फॉल ऑफ प्रिंसेस एंड द पिलग्रीमेज ऑफ लाइफ ऑफ मैन। ये जो वर्क है द पिलग्रीमेज ऑफ लाइफ ऑफ मैन, ये पिलग्रिम प्रोग्रेस से, जो कि जॉन बनियन की है,
उससे थोड़ा रिलेटेड है। आगे इसका एक और वर्क है कॉम्प्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, जो कि इसने चौसर को अस्क्राइब किया था। और इसका जो सबसे कम डल वर्क है ना, लीस्ट डल वर्क, डल मतलब अनइंटरेस्टेड, वो वर्क है लंडन लेग पेनी, जिसमें इसने एक पुअर मैन है उसकी वूज को दिखाया है, उसकी सफरिंग्स को दिखाया है इन द स्ट्रीट ऑफ लंडन। तो ये हमारे पास दूसरा चौसेरियन था जिसका नाम था जॉन लिडगेट। अभी हम तीसरा चौसेरियन जो कि स्टीफन हॉफ से उसकी बात करते तीसरा हैं। चौसेरियन जो कि इंग्लिश चौसेरियन है वो है स्टेफन हॉव्स, 1475 से 1525 तक इसका टाइम पीरियड है। लेकिन ये लेटर जनरेशन से बिलोंग करता है। लिडगेट और ऑकले वो 14 सेंचुरी में आ गए थे, 14 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, लेकिन ये पैदा ही 1475 में हुआ। इसने भी खुद को चौसर का एक फॉलोअर शो किया है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो राइटिंग स्टाइल था वो मिडीवियल टाइप था। इसकी मेमोरी के बारे में कहा जाता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी स्टीफन हॉब्स की कि ये एक वर्क को रिसाइट कर लेता था। जब एक बार किसी चीज़ को, ये किसी पोइट के वर्क को ये पढ़ लेता था, तो इसकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दोबारा इसे पढ़ने की नीड नहीं होती थी, और ये फिर उस चीज़ को वो कर लेता था, रिसाइट कर लेता था विदाउट सी। ओके, इसने भी लिडगेट को बहुत ज़्यादा एडमायर किया है, और इसने कहा है कि लिडगेट माय मास्टर, लिडगेट मेरा मास्टर है, जो कि सेकंड चौसेरियन था। अभी हम इसके स्टीफन हॉब्स के वर्क की बात कर लेते हैं। इसका एक वर्क है पेशम ऑफ प्लेजर, या इस वर्क को कहा जाता है द हिस्ट्री ऑफ ग्राउंड एमाउर, और दूसरा इसका वर्क है ला बेल पोशल। ये जो वर्क्स हैं इसके एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी पर ये वर्क अपीयर हुए थे। हॉब्स ने राइम रॉयल स्टेंजा और डेका सिलेबिक कपलेट इन चीज़ों को यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें चौसर ने भी यूज़ की हैं, और ये जो चौसेरियंस हैं ये हमें पता है कि चौसर के इमिटेटर्स थे। स्टीफन हॉब्स का जो वर्क था द पेशम ऑफ प्लेजर, इस वर्क को कहा जाता है कि इस वर्क ने वाइटली इन्फ्लुएंस किया था स्पेंसर को अपना मास्टरपीस लिखने के लिए, और वो मास्टरपीस कौन सा था? द फेरी क्वीनी। ठीक है, ये हमारा थर्ड था चौसेरियन स्टीफन हॉब्स। अब हम नंबर फोर पे बात करते हैं अलेक्जेंडर बार्सले की। अलेक्जेंडर बार्सले का बहुत ज़्यादा ये एक फेमस नाम है 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में। क्यों है ये फेमस? चले बात करते हैं, देखते हैं इसने ऐसा क्या किया था। इसने एक जर्मन पोइट था सेबस्टियन ब्रांट, उसका वर्क ट्रांसलेट किया था, और उसके वर्क को इसने इंटाइटल किया था द शिप ऑफ फूल्स। और इसने अपने अलग अलग वर्क्स में जो क्लर्जी थी, क्लर्जी का आपको पता है करप्शन ऑफ चर्च कितनी ज़्यादा थी, क्लर्जी और लेमेन को इसने बहुत ज़्यादा सेटराइज किया। लेकिन बार्सले फेमस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसने इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू योनरा, योनरा का ये पायोनर बना, और वो योनरा कौन सा था? इकलॉग। अब इकलॉग किसे कहते हैं? इकलॉग की हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी हम आपको लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इकलॉग डायलॉग होता है, एक ऐसी पोम जिसमें डायलॉग हो रहा हो शेफर्ड और शेफर्डनेस के बीच में, तो वो इकलॉग होती है। ठीक है, अलेक्जेंडर बार्सले ने टोटल 5 इकलॉग्स लिखी थी। इसकी जितनी भी इकलॉग्स हैं उन कहा जाता है मोरल सेटराइजिस। तो ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अलेक्जेंडर बार्सले का। अब इसके बाद नंबर 5 हम बात करेंगे जॉन स्केल्टन की। नंबर 5 पर हमारे पास जॉन स्केल्टन है। इसने भी खुद को चौसर कहा कि चौसर मेरा मास्टर है, लेकिन इसका जो मोरल सेटराइजिस की वजह से इसको हम लैंगलैंड के ज़्यादा करीब दें। इसका जो इंटरेस्ट था वो था ग्रोटेस्क्रीज में, लेकिन इसका जो वर्क है कॉलिन काउंट, उसमें इसने क्या किया है? इसने भी अलेक्जेंडर बार्सले उसकी तरह सेटराइज किया है क्लर्जी को। दूसरे इसका वर्क है वाई कम ये नॉट टू कोर्ट। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन देखें तो ये बनेगी वाई यू डू नॉट कम टू कोर्ट। ठीक है, और इसमें भी इसने जितने भी पावरफुल वॉल्सीज थे उनके ऊपर अटैक किया है। दूसरा इसका वर्क है द बाउच ऑफ कोर्ट, जो कि एक एलिग्रिकल सटायर है जैसा कि द शिप ऑफ फूल्स था, और यह भी किस में लिखा गया है? राइम रॉयल में। और राइम रॉयल किसकी इन्वेंशन है? चौसर की। लेकिन इसे राइम रॉयल स्टेंजा क्यों कहा जाता है ये हम स्कॉटिश चौसेरियन वाली वीडियो में देखेंगे। ओके,